हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है RGB PUBG। तो दोस्तों ये मिस्टर टैलेंटेड 14 भागते हुए पता नहीं क्या खा के आए थे, कहाँ भाग रहे थे हमें पता नहीं। ये है हमारा प्लेन पाथ जो कि चालू होता है यासना या पोलियाना से सास्तवोखा मिलिट्री बेस तक। समझ रहे ना दोस्तों, सास्तवोखा ये नाम है जो हम ऊपर नीचे करते हैं, जिसको हम कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि मैटर आपका नाम नहीं, मैटर आपका गेम करता है। देखते हैं बंदे कहाँ कहाँ उतरते हैं। अभी तक के मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें बता सकता हूँ कि बंदे सेफ खेलेंगे, क्योंकि ये है एलिमिनेटर, यू नो एलिमिनेटर काइंड ऑफ टर्मिनेटर। मिस्टर टैलेंटेड 14 आगे जाते हुए सारे के सारे बंदे मेरे हिसाब से यासना पोलियाना पे, मैंशन पे, रोजॉक यहीं सब उतर रहे हैं। द अनस्टॉपेबल थोड़ा आगे जाते हुए ये मेरे हिसाब से मिल्टर पावर जाएंगे, और ये है भवकाल की टीम जो कि यासनाया पोलिनिया की जो लेक है वहाँ वहाँ तैरने जा रहे हैं, तो मतलब नहाएंगे जाके। बहुत गर्मी हो रही है बाबा, बहुत गर्मी हो रही है। देखते हैं, उनके साथ में एक टीम और मुझे दिख रही है जो कि उड़ती हुई जा रही है, और जो है पोगो की टीम। देखते हैं पोगो की टीम से कितनी दूर उतरती है। देखना मुझे ये है कि भोकाल की टीम और पोगो की टीम उतरते साथ लड़ेंगी या फिर एक दूसरे को दूर दूर से ही नजरें मिला के निकल लेंगी। ऊपर पोगो ऐश है, और ये रास्ते बदल चुके हैं। ये हैं गेम 080 ताऊजी बैठे हुए हैं छुपके, देखते हैं क्या होता है। चटनी की टीम यहाँ पे आई है, चटनी की टीम ने दो गोली मारी और ये पेल दिया है, मतलब पेल दिया बिल्कुल से, बल्कि पूरा खत्म कर दिया है, कोई मतलब चांस ही नहीं छोड़ा। चटनी ने पेल दिया है, चटनी की टीम ने पेल दिया है। 080 जा चुके हैं, हरारा पा चुके हैं। यहाँ पे इनको दो बंदे दिखाई दिए, ब्राइन लाकरा एंड मिस्टर सैमुअल 27, और ये ब्राइन लाकरा घुटने पे आ चुके हैं। चटनी का बहुत ही शानदार गेम, उतरते ही साथ 44 बंदे अलाइव, दो बंदे अभी तक किडनी चटनी खा चुकी है, और ये तीसरा बंदा भी ईगल है खा चुका है। इनके टोटल 4 किल हो चुके हैं, क्या बात है भाई। मिस्टर सैमुअल ब्राइन लाकरा अलविदा कह चुके हैं हमको, देखते हैं आगे क्या होता है। और अब हम देख रहे हैं वरन मैथ्यूज की टीम, और ये वरन मैथ्यूज पता नहीं कौन सा गोला खा के आते हैं भाई। सामने बंदा कोई है नहीं, और ये फिर भी पता नहीं जूम कर रहे हैं, वो भी UMP से। ये है ईगल आए, देखते हैं इन्होंने पहले पीछे मुड़ के देखा इनकी टीम है कि नहीं, लेकिन फट गई, यहाँ पे कोई नहीं है। सामने जो है वरन मैथ्यूज की टीम, लेकिन इस टीम में मुझे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, ये टीम अलग अलग भाग रही है। वरन मैथ्यूज मिस्टर सोल्डर 70 साथ में है, और अमन विलियम पता नहीं कहाँ घूमते हुए। ये गोली मारी, AKM से गोली मारी, एक किल इनका हो चुका है ईगल आई का। वरुण मैथ्यूज छुप गए हैं, देखते हैं क्या होता है। टक्कर होती है यहाँ पर, फाइट होती है, ये भी दम दबा के निकल जाते हैं। यहाँ पे एक्सकैलिबर 14, 13, 20, 29 सब आ चुके हैं, बस सेकेंड टीम का एक बंदा वहाँ पे, और ये गोलीबारी होती हुई मिस्टर सोल्डर 70 छुपते हुए ब्रोकन वॉल्स के पीछे। एक्सकैलिबर देखते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या आप दिमाग चलाते हैं, कितना इनका IQ लेवल है, देखते हैं क्या। और ये हमारा नकली, हमारा गफ्फार मार्केट का ड्रोन हवा में उड़ता हुआ, और ये देखते हैं कहाँ जाता है। दो बंदे यहाँ पे, एक बंदा पीछे है, तो वरुण मैथ्यूज की चौथा बंदा कहाँ पे है। ओके, सो अमन विलियम पहाड़ के पीछे से क्लच मारते हुए वहाँ पे अपना रोटेशन ले रहे हैं, और ये मेरा नकली ड्रोन सीधे जा रहा है वरुण मैथ्यूज के पास, जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस मैच में। सामने उसको जाना चाहिए अमन विलियम के पास, जो कि थोड़ा बहुत मार सकते हैं। यस यस यस, अमन कम ऑन, और यहाँ पे VSS से यहाँ पे वी तलवार ने लिया, लेकिन क्या वी तलवार आ चुके हैं घुटनों पे ले आए हैं अमन विलियम, और अमन विलियम ने DP का स्प्रे दिया, और ये अमन और ये वी तलवार घुटनों पे, बहुत सही, बहुत तगड़े। एक्सकैलिबर 13 वरुण मैथ्यू सामने दौड़ते हुए, और ये आसान शिकार हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। वरुण मैथ्यू लेकिन पार कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो नॉक भी नहीं हुए। अमन विलियम के पास है डीपी, सामने वी तलवार डले पड़े हैं, नॉक यहाँ पे एक्सकैलिबर और चटनी अपने कमाल दिखा के वरुण मैथ्यूज को घुटनों पे लेकर आ चुकी है। अब देखते हैं चटनी क्या कमाल कर पाती है, एक्सकैलिबर चटनी मिलके, और ये चटनी ने निकाल दी अमन विलियम की चटनी, पूरा का पूरा पेल दिया है। जितने भी लोग चटनी की तरफ से चटनी बन रहे हैं, सुबह सकते हैं कि लाल चटनी निकलेगी संडास में। यहाँ है मिस्टर सोल्टर 70 भी उड़ के आए, कुछ नहीं कर पाए, पेला आ गए। वरुण मैथ्यूज अपने घुटनों पे टेके पड़े हैं, और यहाँ पे एक्सकैलिबर आए 13, उन्होंने पेल दिया वरुण मैथ्यूज को। हर्ष पूरा का पूरा स्प्रे दे रहे हैं बल्लियों के अंदर, बिड़ा उससे कुछ नहीं होगा, पेल चुके हो तुम भी। यहाँ पे हैं रे बिड़ा की टीम की तरफ हम जाते हैं, इनके पास है M416, देखते हैं क्या होता है। सामने है जेस्टर की टीम, और ये जतिन सिंह सामने से, और ये है अंशुल, आई मीन अंशुल,
अब हम देखते हैं यहाँ पे हैं जतिन सिंह। जतिन सिंह घुटनों पे आ चुके हैं, जतिन सिंह घुटनों पे ही रहते हैं, पता नहीं ये क्या, बचपन से लेके बेटे के घुटनों पे ही हैं। और ये रे बीटा पेल चुके हैं, रे बीटा पेल चुके हैं, जस्टिन ने रे बीटा को पेल दिया है यहाँ पे अंश जाते हुए। अभी देखते हैं अपना कौन सा दिमाग लगाते हैं, राइट या लेफ्ट, समझ नहीं आता। और ये सीधे चढ़ गए सेंटर में, बिल्कुल चढ़ गए दीवार पे। हिमांशु ने बोला भाई तू आगे, मैं पीछे पीछे तेरे को फॉलो करता हूँ। और ये कबूतर को बैठा के भगते हुए, यार यहाँ मुर्गे मिल नहीं रहे, तुम कबूतर उठा के घूम रहे हो, हद करते हो दोस्त। पेटी बना दी हिमांशु की टीम ने। और ये जैसे की टीम पिल चुकी है, सामने में नोटिफिकेशन देखा, सौरभ हंटर की टीम जोन में पिला गई है। और ये है पोगो की टीम, पोगो की टीम वाटर सिटी के अपोजिट साइड में बैठी हुई है। वाटर सिटी पे एक और टीम है जो कि है डीएक्स असुर। ये बंदा कभी नहीं मरेगा, मुझे पता है, सब मर जाएंगे, डीएक्स असुर नहीं मरेगा, इतना मैं जानता हूँ। सामने पोगो की टीम, उनके पास भी M24, इनके पास भी M24, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। डीएक्स सर्कुलर चुपक के बैठ चुके हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये हिल क्यों नहीं रहे हैं, लगता है ये बम्स में अपने फेविकोल लगा के बैठे हुए हैं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि कौन सा गम बोलूँ, बहुत सारे गम होते हैं, फेविकोल लगा बड़े, हिल भी नहीं रहे। लेकिन अभी फेविकोल का जोर छूट चुका है। यहाँ पे देखे ये कर रहे हैं स्नाइप पीक लेके, बट नहीं मार पाए, मुझे नहीं लगता कि इनसे लग पाएगा, क्योंकि सामने पेड़ है, पेड़ में या अंदाजे में गोली चला रहे हैं। देखते हैं छू भी पाती है इनकी गोली या नहीं। मेरे हिसाब से अगर ये छू गई तो बहुत ही ज़्यादा लकी मानेंगे हम, पर देखते क्या ये हमारी टीम इधर उधर बिखरी पड़ी है। आगे हरकत पीक करते हुए, और ये पोगो की टीम बड़बड़ा रही है क्योंकि इनको पता है कि M24 से शॉट्स आ रहे हैं। और ये भागते हुए, और ये ऑसवर्ल्ड जमीन के नीचे से भागते हुए, देखिए नीचे उड़ रहे हैं, देखिए पार्टी लाल नीचे हरी हरी आ रही है भाई जमीन के नीचे से। हरकुलस जो हैं वो सोच रहे हैं क्या करूं भाई, इनसे ना हो पाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं, ये पेल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सामने ही बन रहे हैं, भले ही ना दिख रहे हो। और ये इन्होंने निशाना लिया, और ये देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं। और ये सामने से जैक निकले, और ये हम देख रहे हैं अभी तक ये निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, अभी हम देखते हैं। और ये इन्होंने मारा लेकिन फिर नहीं मार पाए, और ये फिर से पिला गए। पोगो थॉर, ये M16, सामने M24 वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, और पोगो थॉर M16 लेके बैठे पड़े हैं। पोगो जैक, और ये पोगो ऑसवॉल्ड अपने सोने वाली यू नो नॉट स्लीपिंग कार्ड, गोल्ड की कार लेके बैठे हुए हैं, सबका वेट कर रहे हैं। पॉप पॉप हो रहा है, हॉर्न लग रहा है, लाल कार कर रही उन्होंने अपनी रही सी छोड़ी पीछे, और ये चल दिए सीधे सीधे आगे जोन में जाने के लिए, क्योंकि जोन आएगा और भाग काटेगा, मतलब लड़के रोने नहीं लग जाएं कि हमारा भी कटा। KGF राहुल अपनी AKM लेके सामने एक्सकैलिबर को सांप बन के पेलते हुए, और ये क्या एक्सकैलिबर को घुटने पे लेकर, और ये एक्सकैलिबर को घुटने के बाद पूरा का पूरा खा लिया, किल कन्फर्म करा इन्होंने अपना। एक KGF राहुल ने AKM से एक्सकैलिबर 13 को पेल दिया है, और ये चटनी से पेल गए। पिछवाड़े पे देखते हैं कौन हाथ रखता है इनके, क्योंकि इनकी टीम के भी 3 बंदे बचे हैं। और भी तलवार ने बोला KGF राहुल तुम्हारे पिछवाड़े इतने अच्छे नहीं गए, हम उस पर हाथ रखने दें किसी को। GVK सिंह भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अपने भाई के पीछे पीछे जाते हुए। और ये डेथ रो क्या दिखा रहे हैं आप, ये भाई ये फैमिली शो चल रहा है, क्या दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। GVK सिंह भी घुटनों पे आ गए हैं, बोल रहे हैं मेरे पिच्छू पे कौन हाथ रखेगा। लेकिन डेथ्रो बोले मैं नहीं रखेगा। डेथ्रो अपने पेड़ के पीछे आते हुए, अक्की 07 डेविल की भी हेल्थ कम होती हुई डेथ्रो के पास, जो कि इनको कहते हैं प्यार से मौत की रेखा 14। और ये इन्होंने घास के अंदर से पेला वी तलवार 98 को, और वी तलवार 98 हो चुके हैं नॉक। सामने हैं चटनी, अक्की 07 डेविल भी हो चुके हैं नॉक, GVK सिंह की पेल दी गई है। यहाँ पे बचे हैं सिर्फ डेथ्रो, अगर कोई बचा सकता है अक्की 07 डेविल भी पिला गए। अब सिर्फ मौत की रेखा 14 ही, देखते हैं क्या चटनी की पेल पाते हैं कि नहीं पेल पाते हैं। और ये है डेथ्रो 14 का गेम, जो कि अपने पिच्छू के कट दिखाते दिखाते गेम खिला रहे हैं। और ये देखिए दारू की बोतल फेंकी और चटनी ढेर, बहुत सही उलट फेर इस गेम में हुआ है, उलट फेर। टोटल टीम है 7-6, देखिए बोलते बोलते टीमें चेंज हो रही हैं, क्या तगड़ा गेम चल रहा है, मतलब क्या बता दें आपको भाई साहब, क्या बता दें, मतलब उम्दा गेम चल रहा है। 14वीं टीम तो और 12वीं टीम तो पता नहीं वहाँ जोन के अंदर ही क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है नीली बत्ती में क्या कर रही है। ये है असुर, इनके पास है कौन सी गन है, ये मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया है, बहुत गर्मी है, लाइट आ नहीं रही है। और ये अंशुल की गोली हवा में उड़ती, और अंशुल देख रहे हैं क्या करते हुए, अंशुल भागते हुए इधर से उधर, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सामने मिस्टर टैलेंट है 14 इनकी टीम है और उनके 3 बंदे हैं। और यहाँ पे ये देखिए हिमांशु का तोता हवा में उड़ता हुआ, और ये मिस्टर टैलेंटेड 14
पुटिन की तरफ से एक बंदा नॉक, इनकी तरफ से भी दो बंदे, सामने से तीन, और ये अंशुल ने क्लच मारा, और ये सामने से हिमांशु इस साइड से जाते हुए एक बंदा नॉक है उनका, एक बंदे की हेल्थ पूरी कम है। अंशुल घुसते हुए घर में, अंशुल घर में घुसते हुए यहाँ से इन्होंने एक को पूरा कंफर्म करा किल को, और ये जाते हुए मिस्टर टैलेंटेड 14 के पास, ये टीम नंबर वन के पास, और ये बिल्कुल एकदम से असहाय बेवकूफों की तरह इधर उधर घूमते फिरते, और ये सर पर गोली खाई और अंशुल ने खा लिया है एक किल। खाने में लड़के तुम बड़े माहिर हो रहे हो, क्या बात है क्या बात है। और ये 14 नंबर की टीम भक्ति हुई 52, 58, 12, 55, 23, ये 14 नंबर की टीम का नाम है भाई, ऐसा नाम क्यों रखे हो यार। हम अपने दोस्तों को बोलेंगे अपने अपने लॉन्डो का नाम ये रखो, 52, 58, 14, 13, क्या है भाई। और ये भौकाल भौकाल टीम ये है, इन्होंने 0 किल की टीम के अभी तक, पता नहीं ये टीमें फाइनल में जाके क्या करने वाली है, क्योंकि फाइनल में जाके टीमें और भी तगड़ी होने वाली हैं। ये टीमें तो वो थी जो एलिमिनेट हो रही थी, लेकिन इनको एलिमिनेटर में खेलने का मौका मिला है, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं आगे के मैचों में अगर ये जा पाते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारी टॉप 5 टीम आगे फाइनल्स के लिए रेडी रहना है। भौकाल लेटते हुए और ये सोच रहे हैं, और ये बहुत 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 करीबी मामला हो सकता था ये, और ये पोगो टीम ने देख लिया कि यहाँ पे भौकाल लेटे हुए हैं। भौकाल को दिखाते हैं कि अवकाल क्या होती है, अवकाश अवकाश दिखाता है मैं तेरे को। पोगो ऑसवर्ड ने पेल दिया भौकाल को, भौकाल का पिछवाड़े से हरा हरा धुआं निकल चुका है। पोगो ऑसवर्ड बहुत ही शानदार खेल रहे, पोगो जैक इनकी टीम में थोड़ी कमजोर कड़ी, हर बार ये नॉक हो जाते हैं। सामने एज की हेल्थ बहुत ही कम, लेकिन वो भी बढ़ते हुए, और डेथ रो यहाँ पे अपना स्कोप निकाल के, अपना मतलब अपनी बंदूक का स्कोप निकाल के पेलते हुए लोगों को, लेकिन सामने इनको पता नहीं है कि बहुत तगड़ी पोगो टीम बैठी है। लेकिन डेथ रो अकेले 3-3 किल करके बैठे हुए हैं, 2 किल करे हैं इनकी टीम के, टोटल किल 3 है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 4 टीम बची हैं, एक बची है DX की टीम, बहुत शानदार टीम, लेकिन अभी वो स्क्रीन पे दिख नहीं रही है, बहुत सेफ खेल रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एज एन एक्सपर्ट कि कुछ टीमें रहेंगी जो बहुत ही सेफ खेलेंगी, क्योंकि ये है एलिमिनेटर, हर कोई जाना चाहता है टॉप 5 में। तो DX की टीम, डेथ रो की टीम, और एक हमारी सौरभ टीम और एक पोगो टीम, ये 4 टीमें हमारे पास बची हैं। डेथ रो अपनी टीम के लिए अकेले लड़ने में लगे पड़े हैं, कुछ सीखो टीम वालों यार, ऐसे अकेले साथ छोड़ के चले जाते हो तुम लोग यार, कसम से अंदर मतलब टेंशन में आ जाता है। ये देखो ये 52, 58, 12, 55, 23 जो हैं ये बंदे सौरभ की टीम के, ये डेथ रो से इंस्पायर होके अपने पिच्छू के कट्स दिखाते हुए। भाई कोई नहीं लेगा, किसी को शौक नहीं है सब देखने का, तुमने क्या सोचा दिखा के तुम्हारा हम एडमिशन कर लेंगे। डेथ रो पिल चुके हैं पोगो एश ने, पोगो ने डेथ रो को पिल दिया है पोगो एश घुटने पे, ये भी हरा हरा निकाल देते अगर ये फाइट लंबी चलती, सामने अगर स्कॉर्ड होती, बट ये बच चुके हैं, इनकी किस्मत बहुत अच्छी। चारों के चार बंदे, 3 टीम जिसमें से एक टीम का एक बंदा, एक टीम पूरी और एक टीम पूरी, इसमें 4v4v1 है। अब ये देखते हैं DX लेके जाती है या पोगो, क्योंकि 52, 58, 12, 55, 23 का तो कोई चांस ही नहीं है, पत्थर के पीछे इंसान लेटा पड़ा है कि कब कोई आके मुझे पेल जाए, मैच खत्म हो जाए, भूख लग रही है मुझे, अब नहीं रुका जा रहा। इनके अभी तक 0 किल हैं, सामने से DX टीम आ रही है, और मेरे हिसाब से अगर इस साइड से अगर 8वें नंबर की टीम है तो 12वें नंबर की टीम पीछे से आएगी, और अब 14वें नंबर की टीम का अंत निकट है दोस्त। सामने से बात मैं जैसे बोलता वैसे ही हुआ, यहाँ से पोगो एश ने 2 को नॉक कर दिया है, पोगो एश ने काकाशी और एश और पोगो थॉर ने हरकुलस को नॉक करा है, और यहाँ पे 52, 58 ने नीचे लेटे लेटे एश को नॉक कर दिया, यहाँ पे थर्ड पार्टी करी है 52, 58 ने, और यहाँ पे सिर्फ 52, 58 बचे हैं और पोगो बची है, और अब 52, 58 तुम्हारी पेली जाएगी, तुम्हारे से हर चीज़ का बदला निकाला जाएगा। धुआं निकल चुका है पिछवाड़े से, तुम पाच चुके हो, पोगो टीम जीत चुकी है, वेलकम पोगो, वेलकम।